Hello students, we had studied lesson 2 and now it is the turn to complete the exercise of this lesson. So please open your textbook, page number 14 and see from here. Here is written comprehension. Fill in the blanks with the correct answers. तो बेटा यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, उसके नीचे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक ना? उसमें से कई कोई एक ऑप्शन सही होगा जिसे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? तो जेनी कुड नॉट स्लीप एट फर्स्ट बिकॉज, इसमें चार ऑप्शन है. शी वॉज अफ्रेड ऑफ ग्रेस पॉली. सी हैड हर्ड ए डेमोनिक लाफ्टर. सनशाइन एंड फाइन डेज सीम्ड जॉयलेस. सी वॉज थिंकिंग अबाउट मिस्टर रॉचेस्टर. तो इसमें बेटा डी वाला सही रहेगा. जेनी कुड नॉट स्लीप एट फर्स्ट बिकॉज शी वॉज थिंकिंग अबाउट मिस्टर रॉचेस्टर. पहली बार जो उसको तकलीफ थी सोने में नहीं नींद आ रही थी, वो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि वो मिस्टर रॉचेस्टर के बारे में सोच रही थी, ठीक है? चलिए सेकेंड देखते हैं बेटा. जेनी हर्ड अ डेमोनिक लाफ्टर. उसने जो है एक दानवी हंसी सुनी. तो इसमें चार ऑप्शन है, वंस ओनली, ट्वाइस, थ्राइस, फोर टाइम्स. तो इसका होगा बेटा बी, ट्वाइस, दो बार उसने सुनी थी, ठीक है? जेनी हर्ड अ डेमोनिक लाफ्टर ट्वाइस. थर्ड वाला चलो बेटा. जेनी थॉट दैट हर चैम्बर डोर वॉज परहैप्स टच्ड बाई, इसमें चार ऑप्शन है, मिस्टर फेयरफैक्स, पायलट, मिस्टर रॉचेस्टर, ग्रेस पॉली. इसमें बेटा आपका बी वाला सही है, पायलट. यानी पायलट वॉज द नेम ऑफ अ पेट डॉग, कुत्ते का नाम है, ठीक है ना बेटा? तो जेनी थॉट दैट हर चैम्बर डोर वॉज परहैप्स टच्ड बाई पायलट. जेनी ने यही समझा कि शायद उसके दरवाजे पर जो है पायलट ने जो है छुआ है या धक्का दिया है, पायलट होगा, यानी पायलट वॉज द पेट डॉग, ठीक है? चलिए बेटा थर्ड हो गया, फोर्थ चलते हैं. द मिड नाइट विजिटर प्रोबेबली लेफ्ट एंड वेंट. द मिड नाइट विजिटर प्रोबेबली लेफ्ट एंड वेंट. इसमें बेटा डी वाला रहेगा. द मिड नाइट विजिटर प्रोबेबली लेफ्ट एंड वेंट अप द गैलरी टू द थर्ड स्टोरी. जो रात को आवाज़ सुन रही थी ना, तो उसे क्या लगा? प्रोबेबली लेफ्ट एंड वेंट, ऐसा लगा कि वो वहीं से उठी थी, उधर ही गई थी. कहाँ पे? अप द गैलरी टू द थर्ड स्टोरी, गैलरी में से होते हुए थर्ड मंजिल, थर्ड स्टोरी तक जा रही थी, ठीक ना? तो ये आएगा आपका फोर्थ वाला. फिफ्थ वाला देखिए बेटा. I hurried on my frock and a shawl means that the speaker, इसमें चार ऑप्शन है. देखिए इसमें जो है पांचवें में, क्योंकि वो जल्दी जाना चाहती थी, ये वाला सी सही रहेगा. Put them on quickly, ठीक ना? I hurried on my frock and a shawl, मैंने जल्दी से जो है फ्रॉक और शॉल ली. इसका मतलब means that the speaker, put them on quickly, बहुत जल्दबाजी में उसने वस्त्र अपने ऊपर डाले. तो ये आपका सी सही है, ठीक है? अब चलिए चलते हैं सिक्स वाले में. सिक्स वाले बेटा, when Jenny described to Mr. Rochester what had happened, he looked rather, इसमें रहेगा बेटा डी, concerned, ठीक ना? वो चिंतित दिख रहे थे, ठीक ना? When जेनी डिस्क्राइब मिस्टर रॉचेस्टर व्हाट हैड हैपेंड, जब जेनी ने सारी बातें बता दी रॉचेस्टर को कि क्या क्या हुआ था, he looked rather concerned, वह केवल जो चिंतित दिखाई पड़ रहे थे, सोच रहे थे कि who did so, ऐसा किसने किया. चलिए इसके बाद चलते हैं हम एक्सरसाइज नंबर बी पे. एक्सरसाइज नंबर बी पे आ जाइए बेटा. हियर इज रिटन आंसर दिस क्वेश्चंस. तो चलिए तीन क्वेश्चन मैंने लिखे हैं आंसर.
You have to write the questions from your textbook and the answers are here. तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा किताब में. What thoughts kept Jenny awake? यानी जेनी को किन विचारों ने जगाए रखा, उसके मन में कौन से ऐसे विचार आ रहे थे कि वो जगी रही. तो इसका आंसर है बेटा थॉट्स ऑफ मिस्टर डॉरचेस्टर केप्ट जेनी अवॉक. इन मिस्टर डॉरचेस्टर के बारे में जो ख्याल आ रहे थे जेनी के अंदर, उन्हीं ख्यालों ने उसको जगाए रखा. क्यों? बिकॉज शी वॉन्टेड, उसे आश्चर्य हो रहा था दैट कि वाई मिस्टर डॉरचेस्टर फेल्ट एलिनेटेड. एलिनेटेड का मतलब जो है टू बी सेपरेट, अलग थलग रहना फ्रॉम द हाउस. वो अपने घर से अलग थलग क्यों रहना चाहते थे, हैं? इस बात को सोच रही थी कि व्हाट इज द रीजन आफ्टर इट, इसके पीछे कौन सा रीजन हो सकता है, इसलिए वो सो नहीं रही थी. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा. हाउ वुड जेनी फील इफ मिस्टर रॉचेस्टर वेंट अवे फ्रॉम थॉर्नफील्ड. किताब में देखिए क्वेश्चन नंबर 2. इसका मतलब हुआ कि जेनी के अनुसार कैसा लग रहा था कि यदि मिस्टर रॉचेस्टर थॉर्नफील्ड शहर को छोड़ के चले जाते हैं तो कैसा लगेगा. तो इसका आंसर है बेटा इफ मिस्टर रॉचेस्टर वेंट अवे फ्रॉम थॉर्नफील्ड जेनी वुड फील वेरी सैड. जेनी को बहुत दुखद लगेगा, ठीक ना, अच्छा नहीं लगेगा. क्वेश्चन नंबर 3 बेटा देखिए. 3 है व्हाट डिड जेनी हियर दैट केप्ट हर अवॉक. जेनी ने ऐसी कौन सी बात सुनी जिसने उसको जगाए रखा. वेयर डिड शी थिंक द साउंड केम फ्रॉम, और यह आवाज़ कहाँ से आ रही थी, उसने क्या सोचा इस बारे में. व्हाट हैपेंड टू इट सून, और तुरंत फिर क्या हुआ. तो इसका आंसर बेटा 3 बातें पूछ रहा है. व्हाट डिड जेनी हियर दैट केप्ट हर अवॉक, वो कौन सी बातें थी जिसे सुनकर के जेनी जगी रही. तो इसका आंसर बेटा जेनी केप्ट अवॉक और हियरिंग ए पेकुलियर लो साउंड, एक बड़ी अजीब सी आवाज़ सुन के वो जगी रही. दूसरी बात पूछ रहा है वेयर डिड शी थिंक द साउंड केम फ्रॉम, आवाज़ कहाँ से, क्या सोची थी. तो इसका आंसर बेटा सी फेल्ट, उसने ये महसूस किया एज इफ द साउंड केम फ्रॉम जस्ट अबव हियर, ठीक उसके ऊपर से, मतलब बहुत नज़दीक से ही आ रही आवाज़, ऐसा उसको लगा. ठीक है. थर्ड बेटा पूछा व्हाट हैपेंड टू इट सून, फिर तुरंत क्या हुआ था. बट द साउंड स्टॉप्ड सून, वो आवाज़ जो आ रही थी ना बहुत जल्दी आवाज़ बंद भी हुई. तो 3 बातें ये हुई, ठीक ना. पहली बात उसने अजीब सी आवाज़ सुनी, दूसरी बात उसे लगा कि उसके ऊपर से की तरफ से आ रही है, थर्ड स्टोरी की तरफ से आ रही है, तीसरी बात उसे लगा कि ये आवाज़ सुनी एकदम बंद हो गई है. ठीक है. तो आज इतना ही कर लीजिए, इसके बाद के क्वेश्चन आंसर अगले दिन. ठीक है. दैट्स ऑल. थैंक यू.